14 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 है, 0 to 2 pi, 0 to 2 pi cos ऑफ पावर 5x dx, इसको करना है ठीक। इसमें एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम जी एफ एक्स को ए माइनस एक्स करते हैं, 2a-x उतनी रहता है, तो हम ट्वाइस ऑफ 0 से ए एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है, मतलब आपकी प्रॉब्लम है अगर हम एफ एक्स कॉस 2π-x करें उतनी रहेगा, देखो उतनी रहेगा ना। हाँ सर, सेम है ना, तो हम लिख सकते इसको ट्वाइस ऑफ 0 to π, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता तो इसका आंसर 0 आएगा ठीक। अब देखो, अब नया फंक्शन ये हो गया कॉस एक्स पावर 5। अब इसमें कॉस एक्स कॉस 5x करने में माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, देयरफॉर हमारी क्या लिखा हुआ डायरेक्ट 0 लिख दो, 2 into 0, क्योंकि माइनस आ गया ना तो 0 हो गया। इसको इस तरह से करना है ठीक। इसमें क्या करना होता है, ये सी है ना, वो ए माइनस एक्स की प्रॉपर्टी ला देंगे, फाइव बाई टू माइनस एक्स हर जगह, जहां जहां एक्स है वहां फाइव बाई टू माइनस एक्स। कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स डी एक्स, अब 1 और 2 को ऐड कर देना, एडिंग 1 इन 2, ठीक है, ऐसा कर लिया है सामने। अब क्या करना है, 2i हो गया, ऐसा साइन कॉस एक्स आएगा, 1 प्लस साइन कॉस एक्स, ये तो पूरा 0 हो गया, आंसर 0 ठीक। इसको देख लो, हाँ सर 0। सिक्सटीन क्वेश्चन देखो क्या है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π log 1 plus cos x dx, इसको करना है सॉल्व ठीक। तो इसमें पहले प्रॉपर्टी लगाओगे 0 to π log 1 plus cos π-x dx, i होगा 0 to π log 1 minus cos x dx, अब दोनों को ऐड कर देना, तो ये आई प्लस आई आ जाएगा 0 to π log 1 plus cos x
प्लस जीरो टू पाई लॉग वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये टू आई हो जाएगा, जीरो टू पाई लॉग वन प्लस कॉस एक्स प्लस लॉग वन प्लस कॉस एक्स वन माइनस कॉस एक्स, ठीक है। कितना नोट करूँ, ठीक। अगर हम हाँ इसको थोड़ा और करते हैं, ये हो गया टू आई और यहाँ जीरो से पाई लॉग इंटू हो जाता है, एडिशन इंटू आ जाता है, वन माइनस कॉस कर एक्स, ठीक। दिस इज साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स डी एक्स, ठीक। अच्छा ये फंक्शन में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ जीरो टू पाई बाई टू, ठीक। और इसका इंटीग्रेशन अपन डायरेक्ट रख देंगे, ठीक। इसको हम डायरेक्ट रख देंगे, ठीक है ना। ये होता है माइनस फाइव बाई टू लॉग टू, टू टू कट गया माइनस फाइव, यहाँ लिख दे रहे हैं माइनस फाइव लॉग टू, ठीक है। नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17, 0 टू ए रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, इसको करना है, ठीक। तो वही प्रॉपर्टी लाओ ए माइनस एक्स की, जहां जहां एक्स है वहां ए माइनस एक्स रखो, दोनों को ऐड कर दो, रूट एक्स रूट ए माइनस एक्स, ठीक। और यहां पर dx अब इनको अपन रूट एक्स एक साथ लिख देते हैं, ठीक। जीरो टू ए सर यार टू आई चल रहा है ना, टू आई ये आंसर, ठीक है। इसको भी नोट कर लो।